पार एक गांव है जो रिफाइनरी के बहुत पास में है, उस गांव को एक मॉडल गांव बनाने की एक मुहिम शुरू किया हुआ है BORL ने। हमने ये देखा कि इस गांव में महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी नीचे है, उसके लिए हमने करीब 60 महिलाओं को चिन्हित किया जो बिल्कुल अनपढ़ थी, और उनके लिए तारा का एक कार्यक्रम है जिसको हम लोग तारा अक्षर प्लस के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें करीब 50 दिनों के आसपास में उनकी जो लिखने की कौशल है, पढ़ने का जो कौशल है और नंबर से संबंधित जो ज्ञान है वो उनका बढ़ जाता है। कड़ा महसूस हो रहा है, जो हमें मतलब जानकारियाँ नहीं थी, जैसे कि हम बैंक में चेक नहीं भर सकते थे और जैसे हम अपने बच्चों का होमवर्क वगैरह नहीं करवा सकते थे, कुछ मैम ने अगर कुछ लिख के भेजा तो वो भी नहीं पढ़ पाते थे। पहले हम लोग सामान खरीदने जाते थे तो बाजार में बेवकूफ़ बना के सब कुछ पैसे ज़्यादा ले लेते थे, अब पैसे का हिसाब भी आता है, कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाता। जब उनको पढ़ने लिखने की क्षमता उनकी बढ़ गई तब उनका जो दूसरा रिक्वायरमेंट था वो कुछ सीखना चाहती थी, वहीं पे गांव में ही हमने रोज़गार स्वरोज़गार के लिए महिलाओं के लिए कमर्शियल स्टिचिंग एंड टेलरिंग की एक शुरुआत की। जब से मैंने जॉइन की है यहाँ पर सिलाई में, जब से मैंने ब्लाउज पेटीकोट जैकेट सर से जीवन में बहुत बदलाव आया सर, जो आदमी बेकार बैठे हैं रोजगार नहीं है वो हुआ हमसे अपनी मेहनत निकाल सकते हैं, घर बैठे अपन को रोजगार अपना घर बैठे कहीं जाया नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में बिजली की थोड़ी समस्याएं हैं, लोगों को 24 घंटे नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पे कैंडल का काफ़ी डिमांड है, तो उसके लिए हमने महिलाओं को कैंडल मेकिंग ट्रेनिंग भी दिया हुआ है और उनका एक छोटा सा उत्पादन समूह बनाया हुआ है, उसको हमने जिला उद्योग केंद्र से रजिस्टर भी करवाया हुआ है, जिससे आगे उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके जब अपने वो उद्यम को और आगे बढ़ाना चाहें। आबिद खान सर हैं जो मोमबत्ती वाले बूँ सिखाने आते थे, 15 दिन उन्होंने ट्रेनिंग ली हम लोगों की और फिर एक महीने से करीब हम लोग बना रहे हैं, तो सर बोल रहे थे कि तुम लोगों का माल बिकेंगे वो लोग मार्केट से भी जुड़वाएंगे। कुछ जो एडोलसेंट गर्ल हैं उनकी एस्पिरेशंस काफ़ी नया मार्केट से मिलती है, तो उनका ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो हमने वहाँ पे एक ब्यूटी एंड वेलनेस का भी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाया। मैं बच्चों को आजीविका से सिखाने के साथ साथ मैं उन्हें आजीविका से भी जोड़ूंगी कि ये ओनली जैसे सोच बना रखा है कि अरे क्या नावों का काम पकड़ के रखा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, गाँव में बहुत सो मानसिकता ऐसी होती है, तो मैं उन्हें बताऊँ कि ये किसी जातिवादी पे नहीं है, ये हमारा वर्क है, जैसे आप अदर कोई काम करते हैं जैसे कोई सोप डालते हो या कहीं किसी के यहाँ काम करने जाते हो, उससे अच्छा है। तारा के सहयोग से एक विशेष पहल की गई है जिसमें हरियाली उद्यमिता और संपन्नता का कार्यक्रम इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा और ये पूरे क्षेत्र के अंदर जहां BORL का कैचमेंट एरिया है वहां तक इसका विस्तार होगा। पार में एक स्कूल है और स्कूल में बच्चों के लिए टॉयलेट की असुविधा होती थी, तो जो पहले टॉयलेट बना हुआ था वो काफ़ी टूटा हुआ था, बच्चे उसको यूज़ भी नहीं करते थे, तो स्कूल के टॉयलेट को हमने अच्छी तरीके से उसको सुधारा, जिसको हमने लड़कों के लिए अलग बनाया, लड़कियों के लिए अलग बनाया हुआ है। तो पहले टॉयलेट नहीं थी हमारे स्कूल में, तो कई लोग पहले लंच से छुट्टी लेकर और घर पर चले जाते थे, और अब हमारी स्कूल में टॉयलेट बन गई तो बच्चे पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, और रिसेस के बाद हम लोग जल तारा फिल्टर का पानी पीते हैं और इसके बाद यूथ क्लब पर खेलने जाते हैं। इस यूथ क्लब का नाम बजरंगी यूथ क्लब है और हम सबको खेलने का सामान देते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं और डिक्शनरी और चार्ट वगैरह देखते हैं और काफ़ी समय तक पढ़ते हैं और वापस रख देते हैं। एक बच्चों का ग्रुप कम्युनिटी में जाके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फ्लाई ऐश के बारे में जागरूकता पैदा करता है और वहाँ पे ध्यान ये आकृष्ट किया जाता है कि लोगों को फ्लाई ऐश ब्रिक से घर बनाने से क्या फायदे होंगे।
फ्लाई ऐश की ईट की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती बहुत है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पानी जो है, इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो उसका पानी जो है बच रहा है वो हम जाके कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस साल सूखा पड़ गया है तो गाँव में खेतों में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये जो जल स्तर है, जमीन के नीचे का जल स्तर है, उसको पानी इससे रिस जाता है और उस जल स्तर को बढ़ाता है। किसानों को ख्याल में रखते हुए हमने वहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट भी 5 लगाया हुआ है, जिससे उनका वर्मी कंपोस्ट बनेगा और उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। 21 तारीख को ट्रेनिंग रखी है कि भाई खाद कैसे बनाया जाता है गोबर का, उसमें केचुए देंगे गोबर में डालने के लिए, और एक कुछ सामान भी दे रहे हैं बना के देंगे भाई, जो देसी खाद है जो फायदेमंद रहता है। तारा, कई प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण को सपोर्ट देती है, एजुकेशन के जरिए यानी साक्षरता के जरिए, दूसरा उद्योग के साधन के जरिए। इसका रिपल इफेक्ट यह होगा कि और नए उद्यमी और महिलाओं के उद्योग लगाए जा सकते हैं। हमने और क्षेत्रों से देखा है कि ये बिल्कुल संभव है, और इससे जो लोकल इकोनॉमी का विस्तार और बढ़ावा बहुत ही तीव्र पैमाने में